सैलानियों से पैक कांगड़ा घाटी में सोमवार को हुई तबाही मचाने वाली बारिश ने सब कुछ पानी पानी कर दिया है। इस घटना से जहां करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, वहीं जान माल का नुकसान ही नहीं बल्कि पर्यटन कारोबार में भी बड़ा असर पड़ा है। पूरी तरह से पैक होटलों में अब फिर से सन्नाटा पसर गया है। कांगड़ा घाटी में सोमवार को हुई तबाही से घबराए पर्यटक घाटी से क्या गए, अब अन्य लोगों ने यहाँ आना ही बंद कर दिया। हालांकि अभी हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन इस सारे घटनाक्रम का यहाँ के होटल व्यवसायियों को एक बार फिर से बड़ा असर पड़ा है। होटल कारोबार फिर 5% तक पहुँच गया है। कांगड़ा घाटी में बारिश ने ऐसे जख्म दिए कि संबंधित क्षेत्रों में तो बड़ा नुकसान हुआ ही, लेकिन इसका सीधा असर यहाँ के कारोबार पर भी पड़ा। आलम यह है कि सोमवार तक यहाँ सैलानियों से होटल भरे हुए थे, वहाँ अब सन्नाटा पसरा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात व महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से यहाँ पहुँच रहे पर्यटकों ने जब बारिश से हुई तबाही का मंजर देखा तो यहाँ की बुकिंग कैंसिल करवा दी और दूसरे प्रदेशों का रुख कर लिया, जिससे प्रदेश का पर्यटन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्वनी वांबा का कहना है कि बारिश की तबाही से पर्यटक कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसके चलते लोगों ने बुकिंग कैंसिल करवा दी है और जो यहाँ कुछ दिन रुकने वाले थे वो भी तुरंत निकल गए हैं, जिससे होटल कारोबारी ही नहीं बल्कि अन्य कारोबारियों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। जितनी 10 और 11 और 12 तारीख को जो भागफू नाग में और जहाँ नीचे शिला में और जहाँ कैथड़ू में और जहाँ बो में जो भी एक भारी बरसात के कारण जो एक हमारे नदियाँ नाले जो तूफान पे आए और उस कारण जो हमारे कुछ घर और कुछ दुकानें उनको नुकसान हुआ। मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत में जो भागफू नाग के अंदर एक नाले के अंदर रुकने के कारण जो पानी सड़क पे आया और आगे जो पार्किंग में 3-4 गाड़ी खड़ी थी वो आपस में दुड़क कर आपस में टकराई, लेकिन जो एक सोशल मीडिया में दिखाया गया, सोशल मीडिया में ये दिखाया गया कि क्लोड ब्रस्ट हो गया और साथ में एक विजुअल दिखाया जा रहा था भागफू नाग की पार्किंग का और दूसरा विजुअल दिखाया जा रहा था गज प्रोजेक्ट का कि जैसे गज ये एक समुंदर है, एक बहुत बड़ा नदी है और जो यहीं पर है वो ये फर्क बह गया है। वो इस पर इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई कि लोग इतने फहम गए, इतने डर गए जो कि पूरे इस एरिया में अपर धर्मशाला में खास ठहरे हुए थे कि देखते ही देखते चंद मिनटों के अंदर पूरा का पूरा एरिया खाली हो गया। और दोपहर को होते होते क्या हुआ कि कुछ बिल्डिंगें शायद को जापान की हैं, अफगानिस्तान की हैं, वो भी भागफू नाग से जोड़कर दिखाया गया। बड़ा ही गलत एक मैसेज किया है, ये बताने की कोशिश की गई है, एक सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि ये सारा का सारा एरिया फ्लड हो गया है। सर कितना करोड़ का नुकसान हुआ है? अरे कम से कम 500 करोड़ रुपये का इस 2-3-4 दिन का नुकसान हुआ है। ये नुकसान क्या हुआ है कि वो जो लोग ठहरे हुए थे वो तो 90% 4 बजते सारे निकल गए। नेक्स्ट डे 99% कैंसलेशन हुई और अगले जो कल वीकेंड है, देखिए आज फ्राइडे है, आज खाली पड़ा है। 99% कैंसिलेशन हो गई है, वो आज की नहीं अगले हफ्तों की भी कैंसिलेशन हो गई है। इवन जो 21-22 का जो वीकेंड है वो भी खाली हो गया है, उससे अगला भी खाली हो गया है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।